बंधुओं का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरा आज का जो मुद्दा है वो पुलिस प्रशासन से और विधायक द्रवित वरा से दो सवाल हैं कि भाई जो घटना हुई और जिसमें मनोरमा जी के दो बेटों को गिरफ्तार किया गया, उसमें FIR में अजय पाल सिंह सन ऑफ महेंद्र सिंह का कहीं नाम नहीं। एक झगड़ा होता है राजाखेड़ा में वोट मांगते वक्त और एक गन शॉट हो जाता है, तो उसके लिए पहले SHO को जाके तफ्तीश करनी चाहिए थी और उसमें मुलजिम या मुजरिम साबित होने चाहिए थे। तो क्या परिस्थिति थी कि CO बनिया इतने लोगों को लेके भक्के पहुंचा और SHO साइट पे नहीं गया, वहां पर जाके उन्होंने लोगों का दुर्व्यवहार किया है, मनोरमा जी संग बदतमीजी की है और उनके दोनों लड़कों को उठा के ले आया, तो क्या बेस बनता है? और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, और रोहित वरा राजाखेड़ा विधायक ने भी कहा कि जिनके खिलाफ FIR है तफ्तीश होनी चाहिए और अगर गुनहगार है तो उनको मुलजिम बनाना चाहिए। लेकिन जिस आदमी का नाम इस FIR में अजय पाल सिंह का नहीं है वो किस बेस पे 307 में रख दिया गया? और उसके लिए मनोरमा जी स्वयं थाने में गई थी रिपोर्ट कराने, वो FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? हम लोगों ने उस दिन SP साहब से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि लिख के दो, मनोरमा जी ने लिख के दिया था और उन्होंने कहा कि इसमें एडिशनल SP तफ्तीकात करेगा। तो जब तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है, किसी के चोट नहीं लगी हुई है, तो किस बेस पे 307 बना के CO साहब अगले दिन जाके उन बच्चों को बंद करा के आए? और अगर CO साहब ही सब कुछ कर रहे हैं तो SP साहब के पास एप्लीकेशन लेने का क्या उचित? मैं आपके माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी माननीय कलट साहब, SP साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ कि CO साहब की जो कार्यशैली है वो राजनीतिक रूप से प्रभावित है और वो इस तरह काम कर रहे हैं जैसे कि पिछली बार भी जयमन साहब ने कहा था किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि CO मनिया को 10 और 11 को राजाखेड़ा को जाने से बंधित कर दें, उनको अधिकार नहीं जाने का, और किसी अधिकारी को काम पर लगाएं, तभी निष्पक्ष रूप से इलेक्शन हो पाएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक पिक्चर देखी थी मैंने घायल, उसमें अजय के साथ ऐसा हुआ था, वो अधिकारियों के पास भी गया था, नेताओं ने मिलकर प्रशासन पुलिस के थ्रू उसको मुलजिम घोषित की थी, यहाँ भी अजय को किया जा रहा है। उस घायल में और आज की पिक्चर में एक ही बदलाव आएगा कि वहाँ अजय ने मजबूरी में कानून के खिलाफ लड़ाई ली थी, यहाँ हम सब लोग अजय के रूप में बैठ के सड़कों पर आएंगे और 11 तारीख के बाद CO साहब मनिया थाने का घेराव करेंगे और उनको ये महसूस कराएंगे कि आप राजनीतिक रूप से किसी के प्रति ऐसा नहीं कर सकते। मैं पुनः आपके माध्यम से SP साहब, कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ, ऐसी परिस्थिति सन 2008 में आई थी जब उस वक्त भी धौलपुर के SP साहब को ये बाध्य कर दिया गया था कि वो फील्ड में नहीं निकले थे, उसी चीज़ को वो दोहराएंगे तो निष्पक्ष हो पाएंगे। राजाखेड़ा के सम्मानीय विधायक मेरे छोटे भाई रोहित वोरा जी का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, मैं उनके साथ हूँ, उनसे मैं सहमत हूँ कि जो भी गुनाह करे, जो भी गलती करे, उसके लिए पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सम्मानीय वोरा जी, अगर पुलिस किसी के साथ गुनाह करे, अन्याय करे, बेईमानी करे, तो आपका भी तो दायित्व बनता है ना। और अब कोई राजनीतिक रूप से कांग्रेस BJP की बात नहीं है, बात आम आदमी की है। CO मनिया ने जिस आदमी का FIR में नाम नहीं है उसको लक किया है, टॉर्चर किया है, और उनकी माँ सम्मानीय मनोरमा जी ने एक FIR दिए, तो क्या आप इसके मामले में विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे? राजाखेड़ा की जनता के प्रति कोई भी गलत काम हो, पुलिस करे, प्रशासन करे, कोई भी करे, आपका दायित्व बनता है। मैं तो आपका पहले भी धन्यवाद दे चुका हूँ वोरा जी, और आज भी धन्यवाद देता हूँ कि आप बार बार मुझे इस बात का एहसास कराते रहते हो, जगाते रहते हो कि मुझे न कुछ टाइम में 62,000 वोट मिले, मैं तो उस दायित्व को निभा रहा हूँ, वहाँ के लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और ये कोई कानूनन मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा भी है कि पुलिस इस तरह का अन्याय आतंक करे। और हम ये चाहते हैं रोहित वोरा जी कि राजाखेड़ा के अंदर भयमुक्त ईमानदारी से वोट गिरे और जो भी जनता निर्णय करे उसे सम्मान से हम स्वीकार करेंगे। आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि बात कांग्रेस BJP की नहीं है, बात आम आदमी की है, और आपका भी एक सामाजिक दायित्व है, एक फर्ज है, एक जिम्मेवारी है कि प्रशासन, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी में, ईमानदारी से काम करें। आपके माध्यम से पुनः मैं निर्वाचन अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि 9, 10 और 11 के लिए राजाखेड़ा में व्यवस्था की जाए और हर पोलिंग बूथ में
सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं और पुलिस और बाद में जाके डंडे बरसाए, इससे अच्छा 10-10 पुलिस वालों को डेप्यूट कर दो ना, ताकि निष्पक्ष इलेक्शन डल जाए। इससे क्या होगा कि जो कुछ है सीसीटीवी में कैमरा में रहेगा और कोबरा जाके अननेसेसरी डंडे ही नहीं बरसाएगी। जब आतंकी नहीं होगा, झगड़ा ही नहीं होगा, तो पुलिस के प्रति ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ हमारे लोग हैं, हम सीओ साहब से भी कहना चाहते हैं कि आप भी राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, और अगर इतने ही वो हैं, और माननीय रोहित वोरा जी आपकी भी एक क्लिप हमने देखी थी जिसमें आपने जो भाषा का उपयोग किया था और उसका जवाब मिला था, हमने उसमें कभी राजनीति नहीं की, लेकिन सीओ साहब ने उस आदमी की चौखट में जाके 100 दबाव दिए। क्या कहना चाहते हैं सीओ साहब? राजा खड़ा की जनता जागरूक हो गई है, डर खत्म हो गया है, भय मुक्त है, संघर्ष करने की स्थिति में खड़ी है, और अगर किसी पदाधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने, किसी भी प्रशासन अधिकारी ने जनता का अहित किया, दबाव दिया, कोई भी ऐसी ओछी राजनीति की जैसे पहले होती थी, तो हमें मजबूरन प्रशासन शासन के खिलाफ सड़कों पर आना होगा। हार जीत किसी की भी हो, नगर पालिका के इलेक्शंस के बाद हमें इस बात को एहसास करना पड़ेगा कि जनता से कानून चलता है, कानून का दुरुपयोग करके पुलिस के कोई भी पदाधिकारी जनता का शोषण नहीं कर सकती हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, और हमारे साथ जो टीम है वो भी इसीलिए बैठी है कि आपके माध्यम से, और आपका भी दायित्व बनता है, आप जितना क्रिस्टल क्लियर करेंगे उतना निष्पक्ष और निडर होकर जनता वोट डालेगी, और जिसको भी चुने उसको सम्मान से स्वीकार करें।